अभी 11 बजे हुए और अभी भी मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। कोई सिनेमैटिक शॉर्ट्स नहीं ले यार, बहुत लेजी फील हो रहा है। कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, उठने का भी मन नहीं कर रहा। मम्मी कितनी बार उठा के जा चुकी है सुबह से, बट नहीं मन कर रहा उठने का। एनीवेज उठना तो पड़ेगा। टुडे इज 12th अप्रैल, 19th डे ऑफ क्वारंटाइन। घर रह रहे के मेरी तो हालत खराब हो गई है। आई होप आप लोग सेफ हो और कोरोना से बचे हुए हो। बी सेफ। मैं मुंह धो के आता हूँ, देन आई टॉक टू यू। मम्मी ने सुबह उठाने के लिए चाय भी बनाई थी, बट अभी ठंडी हो गई है, पीने लायक नहीं है, तो मैं इसको किचन में रख देता हूँ। एंड अभी भी मेरे को बहुत नींद आ रही है, सो कोई काम तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे बॉडी थोड़ी खुले और नींद उड़े। सबके घर में एक ब्रह्मास्त्र होता है और मैं भी ब्रह्मास्त्र उठाने वाला हूँ। सो गाइस, यही है अपना ब्रह्मास्त्र फिलहाल, और 5 से 10 मिनट लगती है यार घर की सफाई करने में। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। इससे मम्मी भी थोड़ी खुश हो जाएंगी, ऐसे लगेगा पूरे दिन हम घर पे पड़े रहते हैं, थोड़ा फिजिकली फिट भी महसूस करूंगा, फिट नहीं एक्टिव, ताकि नींद उड़ जाए। यही है ब्रह्मास्त्र जो पिछवाड़े पे भी लगता है जब हमारी गलतियां। जो लोग ने कभी घर पे झाड़ू नहीं लगाई और पिछवाड़े पे झाड़ू नहीं खाई, यार दोज मोमेंट्स आर प्रेशियस। चलो सो गाइस, कोई कितना ही बड़ा क्लासी है स्वैगी हो, घर पे आगे सब नॉर्मल हो जाते हैं, सबको अपने ग्राउंड रूल्स का पता ही होता है। और मैंने झाड़ू निकाल दिया है, मैं नहा भी लिया हूँ। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता यार। अगर आपने कभी झाड़ू नहीं निकाली या शर्माते हो, तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, चिल, मजा आएगी। और अभी मेरे को भूख लग रही है और मम्मी ने लंच बना भी दिया है, सो आई एम गोइंग टू हैव दैट। क्वारंटीन की वजह से एक चीज़ बढ़िया हुई है, वडोदरा में मेरे को अच्छा खाना या हेल्दी खाना नहीं मिल पाता था इतना, लेकिन अहमदाबाद में आने के बाद वो चीज़ मेरे को नसीब हो रही है। वो लोग प्रिविलेज है जिनको फैमिली के साथ इस क्वारंटाइन में, इस लॉकडाउन में अच्छा खाना मिल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दोज वर्कर्स एंड रिक्शा पुलर्स, बहुत खराब हालत है। सो गाइज, आई एम गोइंग टू हैव लंच, एंड कोई भी काम नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, एक बहुत बोरियत हो रही है। सो लंच के बाद मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा, बस यही रूटीन बच गया यार, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, but I'll try to do some work. So guys, I just had lunch. Lunch के तक पापा बता रहे थे कि आज सुबह 6 बजे से ये रूल लागू हुआ है कि अहमदाबाद में कोई भी पब्लिक प्लेस पे या गैदरिंग में या कहीं पे भी कोई भी बंदा बिन मास्क के बाहर निकलेगा तो उस पर 5,000 रुपये का फाइन है। 5,000 रुपये का फाइन मास्क ना पहनने की वजह से। और अहमदाबाद की करेंटली यही सिचुएशन है, पूरे गुजरात में अहमदाबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है कोरोना वायरस का। डेली 30-40-50 केसेस आ रहे हैं, बहुत फटी पड़ी है। खाना खाने के बाद यार मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लाइक आई एम फीलिंग लो थोड़ा। खाना खाने से पहले सोचा था कुछ करूँगा, कोई काम करने बैठूँगा, बट नहीं, मनी हाइस्ट के 2 एपिसोड बाकी हैं 4th सीजन के, मैं वो कंप्लीट करने के लिए सोच रहा हूँ। सो गाइज, काम करने का मन नहीं है। आई वॉच नेटफ्लिक्स अगेन, जो कि डेली होता है। मिलते हैं सीजन कंप्लीट करने के बाद। आई वॉज वॉचिंग मनी हाइस्ट एंड बीच में फ्रेंड का कॉल आया कि आज आप पबजी खेलते हैं, सो आई एम गोइंग टू प्ले पबजी नाउ, बाद में मनी हाइस्ट कम्प्लीट करूंगा। और इस क्वारंटाइन की वजह से जो लोग पबजी नहीं भी खेलते थे, कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेलते थे, उन सब ने डाउनलोड कर लिया, सो आई एम प्लेइंग पबजी। पबजी मेरा बहुत फेवरेट गेम बन गया यार, बहुत टाइम जाता है पबजी के ऊपर। उसके बाद में मनी हाइस्ट कम्प्लीट करूंगा। So guys, I'm done with money heist and PUBG. बहुत खेल लिया यार, 24 घंटे एक कमरे से दूसरे कमरे में बस यही करते रहो, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ चाय बना लेता हूँ, चाय बना के बहुत 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 इस टाइम ना सूरज बिल्कुल इस साइड से आता है और ये ग्रीन वाला शेड लगा के रखना पड़ता है, बट अभी मैंने ये शेड हटा दिया है बिकॉज इतनी गर्मी नहीं है, धूप चुभ नहीं रही है, इट्स सूदिंग।
रूम रूम में खेलते रहो घूमते रहो, इससे अच्छा थोड़ी सी यार बाहर की फ्रेश एयर भी आनी चाहिए। सो मैं अभी चाय बनाता हूँ और कुछ करने बैठूंगा क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है, सब्जी सीरीज नेटफ्लिक्स बस यही कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। तो चाय बनाते हैं। चाय वॉज गुड बट थोड़ी सी मीठी थी। सो अभी मैं देख रहा हूँ इंडियन वेबसाइट COVID-19 के ऊपर, जो हर 4 घंटे में अपडेट होती रहती है कि कितने केसेस किस सिटी में कितने आए। एंड यू जस्ट लुक एट दिस डाटा, इट वॉज लास्ट अपडेटेड 12 मिनट्स अगो। अभी तक 9,000 के करीब लोग कन्फर्म्ड हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं 7,500, रिकवर्ड 1,000 और जिनकी डेथ हो चुकी है वो 300 पे पहुँचने वाले हैं। और महाराष्ट्र टॉप ऑफ द लिस्ट, फिर तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात। लेट्स सी गुजरात के क्या हालात है, अभी हम गुजरात में हैं। अहमदाबाद इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, आज खुद 23 केसेस आ चुके हैं लास्ट अपडेटेड 4 आवर्स अगो। जस्ट सी 266 केसेस आ चुके हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद वडोदरा में जहाँ पर मेरा कॉलेज है, अहमदाबाद में मैं रहता हूँ। बहुत गलत सीन है। लुक एट दिस मैप, इस मैप में जो एरिया सबसे ज़्यादा रेड है ना ही ज़्यादा इन्फेक्टेड है, एंड वो छोटी सी डॉट दिख रही है दैट इज़ दिल्ली। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र बिल्कुल रेड जोन पे, बिल्कुल रेड है महाराष्ट्र में, ये छोटा सा एरिया सबसे ज़्यादा रेड है दैट इज़ मुंबई, जिसमें से अभी तक 259 कन्फर्म्ड केसेस। गुजरात में ये दो एरिया सबसे ज़्यादा रेड है, 50.96 फ्रॉम अहमदाबाद, 19.27% फ्रॉम वडोदरा, हिसार मेरी सिटी, दो ही केसेस हैं हिसार में, चलो थैंक गॉड। यार देश में सीरियसली बहुत बुरे हाल आता है यार, प्लीज अपने घर पे रहो, मैं भी घर पे ही हूँ, मेरे सभी फ्रेंड्स को आई मेक श्योर कि वो सभी घर पे हैं। कुछ भी करने बाहर मत जाओ यार, अगर आपके यार दोस्त भी जिनको चुल होती हो बाहर जाने की या कुछ ऐसा है, हम जब तक सेफ नहीं रहेंगे, हम खुद सेल्फ कंट्रोल से इसको सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी हालात सिचुएशन नॉर्मल नहीं होने वाली। द होल वर्ल्ड इज एट पैनिक सिचुएशन, बहुत बुरे हालात हैं आज भी, और एक हफ्ते से यही हो रहा है कि मैं कुछ करने बैठ रहा हूँ नहीं कर पा रहा, क्योंकि दिमाग में एक अलग सी टेंशन है, घर बैठ के भी बोरियत हो चुकी है। पहले ऐसे लगता था कि हाँ ठीक है छुट्टियाँ मिल गई एक दो हफ्ते की, लेकिन नहीं, वो जब खुशी वाली फीलिंग अब जा चुकी है, अब स्ट्रेस आ रहा है, अब घर पे नहीं रहा जा रहा, हर कोई यही चाह रहा है कि ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। I just want my normal life back. दिमाग नहीं लग रहा किसी भी काम में यार। अब अच्छे दिन तभी होंगे जब ये कोरोना वायरस चला जाएगा, और कोरोना वायरस जाने के लिए हम एक एक पर्टिकुलर बंदे की सेफ्टी जरूरी है। जब भी ये ग्राफ देखता हूँ ना, जब भी अपडेट करता हूँ इसको, बीच में तो अपडेट करना ही छोड़ दिया था क्योंकि स्ट्रेस आता है, लेकिन जब भी ये देखता हूँ ना ये बातें बस दिमाग में चलती है कि भाई खत्म करो बस, I just want my normal life back. So guys, just stay safe and मैं व्लॉग इधर ही खत्म कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ व्लॉग, बस ये सिचुएशन खत्म करो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो गिव इट लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हो, एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट। बाय बाय गाइस, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।